वाइज मैन वन सेड कि हम एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, प्यार भी एक बार होता है, लेकिन कमबख्त इनसे हम जितनी बार मिलते हैं प्यार होते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज आरजे उर्मिन, बेटर नोन एज मुंबई चिमुलगी उर्मिन। आई एम अ रेडियो जॉकी फ्रॉम फीवर 104 एफएम। आई होस्ट द 2 to 5 शो। यार दोस्तों, अगर आप लोग बात करोगे तो फिर मेरा क्या काम? थोड़ा आवाज़ कम करेंगे हम, प्लीज? Alright, and we are proud to be official radio partners of Jab Harry Met Sejal. Come on, give it up for this wonderful film, everybody. Zordar taaliya, please. क्या journey रही है यार? जहाँ बात गानों की हम करें, तब it's been an epic journey. पहले मुलाकात हुई हमारी राधा के साथ, फिर बीच बीच में आकर अफसाना प्यार का जो चटकाया है कि हम एक सफर में शामिल हो गए, और ऐसे सफ़र में जहाँ पर कभी बटरफ्लाई भी मंडराई, लेकिन आज इस खूबसूरत माहौल में, इस दरिया किनारे, आपके ये प्यारे प्यारे जुल्फों की जो हवाएं लहरा रही हैं, वीड लाइक टू कॉल दिस वन मैजिशियन ऑन स्टेज, जिनका ये ड्रीम रहा है कि हमेशा वो हमें एक जादुई दुनिया में ले जाए। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन इम्तियाज अली। As welcome, and it's been a pleasure. Like I said, you know, it's been a beautiful journey. इस गाने की कुछ खास बात हमें बताएं, हवाएं के बारे में, we'd all love to hear. आप लोग सुनने के लिए रेडी हो? First of all, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग यहाँ पर आए हैं. ये हमारा चौथा गाना है, पांचवा गाना है जो हम इस तरह से रिलीज कर रहे हैं. और आप लोग जो पहले गाने आए हैं, आप लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है, बहुत खुशी की बात है. और ये जो गाना है, इसका नाम हवाएं हैं, और ये लड़के और लड़की के बीच में जिसको रोमांटिक गाना कह सकते हैं, वैसा गाना है. और हमने जगह भी ऐसी चूज की है जिसमें हवा काफी चल रही है, जैसा कि आप देख रही हैं. तो बिल्कुल, आज ऑल द लेडीज आउट देयर, अपने बालों को संभालना बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है. करेक्ट, वहाँ भी बालों को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था, मगर हमने किसी तरह से संभाला. वहाँ ठंड बहुत थी, यहाँ इतनी ठंड नहीं है. ये गाना हमने ज्यादातर वहाँ पे बुडापेस्ट में शूट किया है, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंटीमेट सॉन्ग बिटवीन Harry and Sejal in this movie, which is called Jab Harry Met Sejal. क्या बात है, fantastic. So, guys, are you all ready to meet Harry and Sejal? Louder, yeah. Come on, ऐसे थोड़ी आएंगे. Yes, everyone. All right, please put your hands together. Oh, all right. So, Imtiaz sir would like to call them. Please, अरे. Guys, we are going to have a photo op. We are going to have a photo op, please. We'd love to hear your story, Sejal. आपके डांस स्टेप ने तो कमाल किया ही है, सेजल समझाया है, लेकिन ये बताएं, शाहरुख खान के साथ ये आपकी तीसरी फिल्म है. How has the experience been? Good evening, everyone. I have to shout over Manoj's voice because he's shouting.
पहली बात तो वेलकम वेलकम एवरीबडी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आज हमारे गाने का लॉन्च है हवाएं, एंड मोर देन द सॉन्ग लॉन्च आई थिंक दिस इवनिंग इज फॉर अस टू ऑल बी टुगेदर. एंड वेलकम शाहरुख हुज कम बैक नाउ, विदेश से वापस आए हैं, एंड टू जस्ट हैव अ ग्रेट टाइम. सो प्लीज एंजॉय योर सेल्फ एंड यू ऑल लुकिंग ब्यूटिफुल. आई लव व्हाट यू ऑल आर वेयरिंग, ऑल द विमेन लवली. And yeah, just have fun and enjoy the song that's going to play out in some time. Kya baat hai. Thank you so much, Anushka. And of course, Shah Rukh Khan, everybody. Thank you very much, everyone, for being here. Jaisa Anushka ne kaha, Imtiaz ne kaha. Normally, jab bhi humari film release hoti hai, toh hum usko ek celebration ki tarah lete hain. Aur wo celebration aap logon ke saath hi sabse behtar hota hai. So all these venues and all these launches, we actually pay extra attention to it, not in terms of the marketing genius that I am, but in terms of the fact ki aap log enjoy karein. So umeed hai, love story hai film, bahut simple love story hai. Main aaj Imtiaz ko subah subah tang kar raha tha, main 6:30 baje subah pahuncha, maine film dekhi aur main ise tang kar raha tha ye bol ke ki main sabko kehna chahunga jab ye film dekhne aaye to saath mein apna dil zarur lekar aaye, because that's the kind of film it is. Just bring your heart along, watch the film, enjoy it. This is the first step which normally is released in a love story, which is a love song. Bahut khoobsurat love song hai, bahut simple love song hai, naam uska hawaein hai, aur aaj ka jo mausam hai wo aisa hi lagta hai ki gaane ka naam hawaein hona chahiye, aur bahut sundar tarah se picturize bhi kiya hai differently. It's a very cozy song. I hope you all enjoyed. Preetam da bhi yahan par hai, so I will obviously let the honor of the music being released, or this song at least being launched by Preetam da. And I would like you please to welcome him with the loudest claps, because he's worked really hard with Imtiaz and Irshad Kamil saab to make this music. How lovely. Please put your hands together for Preetam da. Please. And dosto, jiska hame intezar hai wo gana ab hum sunne wale hain. Preetam, it's a pleasure. The entire album is so beautiful. Khaas taur se is gaane ki do line kuch bataye hame, please. गिटार लेके आऊं? गिटार गिटार दे दो यार. लेट्स हियर इट. हम बैकअप करते रहेंगे पीछे. आपको हमारे साथ हवाएं गाना पड़ेगा. ओके, कोरस है. आपको गाना पड़ेगा हवाएं हवाएं ऐसा कर. ये म्यूजिक डायरेक्टर से जो कपड़े पहनाने पड़ते हैं ना, जो मेरे ख्याल से ज्यादा ही हवाएं चल रही हैं यहाँ पर. Guys, it's a new song और मुझे यकीन है कि इस गाने को सुनने के बाद you are going to groove to it too. लेकिन फिलहाल हम थोड़े से technical problem में फंस गए हैं. But nevertheless, I assure you, जब इस गाने का video देखेंगे you're going to fall in love with it. और imaginary हवाएं आपके साथ चलती रहेंगी. आप लोग को मेरे साथ गाना बनेगा. Just मैं बोल रहा हूँ chorus. जब भी मैं बोलूँगा वो गाएंगे. कैसे? हवाएं हवाएं. ओके, हवाएं हवाएं. कब बोलेंगे हम? यू आल्सो सिंग ना. हवाएं बोलना है हमें. हवाएं बोलना है.
बात है। थैंक यू सो मच प्रीतम, दैट वाज एब्सोल्युटली स्पेशल। एंड वंस मोर, क्यों आप इस गाने को ही देख लेते हैं? वंस मोर आई टेल दादा टू डू सफर फॉर अस, फोर लाइंस ऑफ सफर। सफर 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 के लिरिक्स बताऊं, लिरिक्स मैं बताऊं। हम आ जाएंगे, आ जाएंगे। 1 2 3 वर्जन से जब कंपोज करने के टाइम मैं खुद का लिरिक्स लिखता हूँ जिसका कोई सेंस नहीं होता है, उसके बाद अलग अलग वर्जन होता है लिरिक्स से और सब मैं गाता रहता हूँ, फाइनली जब फाइनल मास्टर आ जाता है वो लिरिक्स मेरे को याद ही नहीं रहता है। हाउ स्वीट इज दैट, थैंक यू सो मच। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू प्लीज स्टेप असाइड ताकि हम जिस घड़ी का इंतजार है आगे बढ़े एंड लेट्स वॉच द फिफ्थ सॉन्ग ऑफ जब हैरी मेट सेजल। पहली बार आप सभी के लिए, होप यू लाइक इट, प्रेजेंटिंग हवाएं। शाहरुख, सीरियसली, हाउ डू यू डू दिस? हाउ डू यू मेक अस फॉल इन लव विथ यू ऑल द टाइम? एक्चुअली इफ द girl is as beautiful as Anushka, it becomes very easy. So, yeah. It's, my job is easy. I just have to look at her face and I feel lots of love and that's how it's out like this. It's beautiful, Anushka, Shahrukh, and I'd love to capture this moment myself because we are official radio partners, Fever 104 FM, and I'd really like you to look there and please pose for Fever 104 FM, Anushka, right there. Thank you, Fever 104 FM, for being so kind and sweet. Please play the song more. Where is it? Right there, she's just getting a picture. You, okay. Yeah. Thank you so much. Thank you, and ladies and gentlemen, Imtiaz Ali, Preetam, Anushka, and Shahrukh Khan. We'll have all our friends from the media to ask a few questions. Please have a seat. Hi, Shahrukh. Shahrukh over here. Hi, this is Sohail on your right page. Sohail. Yeah. Sorry. Hi. Barish ho gayi. और मौसम रोमांटिक हो गया। अब हम छत खोल ही देते हैं यार। मेरा बहुत दिल था ये गाना एक्चुअली बारिश में लॉन्च करें। ओह ग्रेट। एवरीबॉडी शुड गेट वेट, सो माशाल्लाह। या शाहरुख, यू आर नोन एज अ किंग ऑफ रोमांस और ये गाना भी एकदम ही रोमांटिक है, वेरी टची है। हाउ स्पेशल वॉज दिस सॉन्ग फॉर यू एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस एक्चुअली? एक्चुअली मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ सुहेल, जब भी डायरेक्टर्स और म्यूजिक डायरेक्टर्स मेरे लिए गाना करते हैं तो उनके दिल में कोई एक आई थिंक कुछ रेपुटेशन ही बस गई है कि मेरे गाने अच्छे हैं, जो ऑब्वियसली मेरी वजह से बिल्कुल नहीं है। सो दे ऑलवेज वर्क, आई वोंट से हार्डर, आई थिंक एवरीबडी वर्क्स वेरी हार्ड, बट आई थिंक दे जस्ट हैव अ स्पेशल प्लेस इन देयर हार्ट फॉर सॉन्ग्स फॉर मी। सो आई रिमेंबर ये गाना हमने आखिर में किया और जब भी इम्तियाज ने दादा से बोला तो दादा ने यही बोला, आप फिक्र मत करो, ये गाना तो मैं कर लूँगा। So I think it's just come out of love. As we speak also, we are still doing the song for the film. Abhi bhi chal raha hai ispe kaam. But I think I'm just very fortunate that the music directors, the writers, the director himself, they really look at me
with a lot of love when a love song comes. And like I was telling, जो मेरे सामने जो मेरी महबूबा हैं जिनसे मैं प्यार करने लगता हूँ फिल्म में वो इतनी खूबसूरत हैं कि बाकी काम बहुत आसान हो जाता है जस्ट टू एक्सप्रेस अ सॉन्ग लाइक दिस सो वेल रिटन एंड सो वेल कोरियोग्राफ्ड एंड थॉट ऑफ अनुज का हाउ इज इट रोमांसिंग शाहरुख एवरी टाइम ऑन द स्क्रीन और मे बी लाइक एक्सट्रीमली इजी you know, he has a lot of genuineness. If you see this song, his eyes have a lot of genuineness when he looks at you in love. So whatever he's saying ki bagal mein kaun si ladki hai, samne kaun si ladki hai, wo dekhe main romance karta hu. But in my opinion, Shah Rukh can romance this mic also. And look at the mic with the same kind of love, he would look at the most beautiful woman in the world. As long as you're holding it, I can romance it. Otherwise, no. So it is very easy and it's beautiful for me. I mean, to do a film with him in which I'm doing a romantic film with him and to shoot a romantic song with him, it's a great feeling inside. It feels very good. And then to see it on screen and then Preetinda ka gana itna achha music diya hai. The song is so beautiful. The lyrics are so amazing. Irshad Kamil ne jo lyrics likhe hai, mujhe bahut, bahut pasand hai. Like, mere dil ke bahut kareeb hai. Toh, mereko bahut sundar lag raha hai gana, bahut zyada. Hello. Hi, Shahrukh. I'm Khushbu from Stardust. Say your name again, darling. Khushbu Tiwari from Stardust. Khushbu, yeah. Yeah. Closer to the So, I wanted to ask you, is it audible? Yeah. Thoda sa uncha bolo, Khushbu. Yeah. So, I was asking, how do you relate yourself to Harinder, the character? Actually, Imtiaz ne jab ye character likha tha, I think normally directors apni zindagi mein se kuch hisse, experiences, ya soch, ya samajh nikal kar character likhte hain. Aur maine pehle bhi bola hai, And I will say it again. I think Imtiaz jo hai, koi bhi story ek ladki ke point of view se zyada sochte hain. What a girl would feel. And what would a girl like a character or an actor or a man to be like. And I kind of, main usse is baat mein bahut, how do I say, I kind of agree with him emotionally. So there is a lot of us in different ways, not necessarily the experiences that Imtiaz has had and I have had are similar. But somewhere there's a lot of us in Harry. और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बात करते वक्त समझ भी जाते थे बोलते वक्त कि यार हमारे साथ ऐसा हुआ है ना अलग अलग जगहों पर सो आई रिलेट टू इट अ लॉट ऑब्वियसली यू नो वेन यू प्ले अ कैरेक्टर द स्पेस इज डिफरेंट द सेटिंग इज डिफरेंट मे बी वीव नॉट बीन देयर बट समवेयर द फीलिंग्स आर क्वाइट फेमिलियर टू मी ऑल्सो एज शाहरुख एंड एज हरिंदर Hi Shahrukh, over here, Himesh here, towards your, hi. First of all, the song looks amazing. Thank you. And my question to you is, you know, whenever your film releases, you explore new markets in terms of releasing the film. So what kind of release can we expect from this film as far as the screen count is concerned in India as well as abroad? I'm sorry, I don't know the details because I don't look into it. We have a head Gaurav who does that. But I think a lot more this time, of course, our traditional territories will always be there. Some of the traditional territories for our films are kind of non-traditional, like Germany and all that we release our films in France. I think we are doing a little more in Europe and maybe South America, I've been made to understand, apart from the traditional markets. And hopefully, every day as the film release comes closer, I think the new markets that the team with Gaurav heading it and Yash Raj, which is distributing it for us, is looking into it. I don't know the exact screen count, I'm sorry. I can find out, but right now I don't know. Thank you. And Imtiaz sir, you last time said that the film has been censored and given US certificate. Could you say the runtime of the film? The what of the film? The runtime. And runtime. Runtime, yeah. It's 220. Okay. Approx. Because the rolling title is still, you know, being done, so it will be a little plus or minus, but you can expect it to be around 220. And yes, we got a UA from the committee without cuts, and we are very happy with their judgment. Hello, this is Josh from Stardust. Hi. I wanted to ask, I think everyone over here liked the... Sorry for my voice. I think everyone over here liked the song a lot. What do you think about the movie? Is it going to be that... is it going to match the song or is it going to be even better? What do you think, any of y'all? It's a nice question, Josh. Thank you. All the This is
ओके सी आई टेल यू ऑनेस्टली मैंने कल देखी है फिल्म, अनुष्का ने भी देखी है, इम्तियाज हर रोज देख रहे हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीम हियर हैज सीन इट. यू एक्चुअली व्हेन यू रीच दिस स्टेज ऑफ फिल्म मेकिंग, बिकॉज वी आर ऑल सो इन्वॉल्व इन इट, आई थिंक अनुष्का नॉट ओनली एज एन एक्टर, एज अ फ्रेंड, ऑल्सो समवेयर एट द बैक ऑफ अ हेड बींग अ प्रोड्यूसर हर्सेल्फ, दादा, बिकॉज डे एंड नाइट वी आर सिटिंग देयर, इम्तियाज ऑफ कोर्स हैज टू बी द मोस्ट इन्वॉल्व एंड ही इज राउंड द क्लॉक. I think you lose objectivity, you know, when you're so close to it. So it's like your baby. I mean, if you ask me, is Abraham more beautiful than we think he is? I'd say yes. But that is a bias. And that's how we all believe about the film right now. It's our baby. It is more beautiful than anything in the world. And God forbid, if it is not as beautiful, it'll be even dearer to us because we love it so much. So for us to be able to say it openly, main मार्केट के अंदर आके बोलना शुरू करूं सुपर हिट पिक्चर है, मिलिट्री बुलानी पड़ेगी, पागल हो जाएंगे लोग, एडवांस ये है, आई डोंट नो, आई होप ऑल दैट हैपेंस, आई रियली विश, बिकॉज वी ऑल इनटू द बिजनेस आल्सो, आई रियली होप टू गॉड एंड आई रियली प्रे, इट्स अ वेरी सिंपल लव स्टोरी, आई होप लॉट ऑफ पीपल लाइक इट, दैट्स द बॉटम लाइन ऑल ऑफ अस वांट. सो आई डोंट नो इफ इट इज बेटर देन व्हाट इट्स लुकिंग लाइक और इट इज वर्स, इट्स अ नाइस फिल्म यार, जस्ट लाइक आई सेड, ब्रिंग योर हार्ट अलोंग, यू लव इट. हाय शिवांगी दिस साइड फ्रॉम आज तक. On your left, yo. Hi. So, सबसे पहले you look very nice with this hair. Thank you. सबसे पहले congratulations. गाना बहुत खूबसूरत है और हम सभी को बेहद पसंद आया है. दूसरी बात, जब भी romantic गाने की बात आती है तो चेहरे की बात होती है, उसने की बात होती है, लड़का लड़की की तारीफ़ करता है या फिर लड़की लड़की की तारीफ़ करती है. किसी ने कभी सोचा नहीं था कि हवाएं शब्द से कोई रोमांटिक गाना इस तरह से बन सकता है, तो ये आइडिया किसका था और ये शब्द कैसे ईजाद हुआ या आपकी गाने में कैसे आया? गाने में हवाएं जो शब्द है वो इरशाद कामिल की तरफ से आया है, बिकॉज कुछ ऐसे हालात हैं गाने के आसपास जो इस रोमांस को हवाओं से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली पता नहीं होता कि हवाएं कहाँ से चल रही हैं और कहाँ को ठहरेंगी, तो इनकी जो रिलेशनशिप के हालात उस वक्त थे वो ऐसे थे, और वो आप जब पिक्चर को आगे देखेंगे तो समझ में आता है कि अच्छा हवाएं किस तरह किस तरफ बह रही हैं. सो हवाएं का ये है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपने इस चीज़ को नोटिस किया कि वो एक अलग सा शब्द है जिसको हमने रोमांटिकली यूज़ किया है, मगर वैसे देखा जाए जब हम लोग यहाँ आए थे तो इस वेन्यू में जब हवा चल रही थी तो कितना रोमांटिक फील कर रहे थे, तो होपफुली आप भी उतने ही रोमांटिक फील करेंगे जब फिल्म का ये गाना देखेंगे. थैंक यू सो मच. हाय शाहरुख, दिस इज मिनी फ्रॉम इंडिया टुडे. वंडरफुल सॉन्ग. यू विल से योर नेम अगेन प्लीज. मिनी फ्रॉम इंडिया टुडे. वंडरफुल सॉन्ग फर्स्टली, एंड सिंस इट्स अ लव स्टोरी अगेन, पीपल लव टू सी यू इन दैट अवतार. वी हैव ऑलवेज बीन लविंग यू इन दिस जॉनर, एंड आई एम श्योर ऑल द वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स आउट देयर वुड बी आस्किंग देयर हस्बैंड्स एंड बॉयफ्रेंड्स टू लर्न फ्रॉम यू. बट ऑन द कॉन्ट्ररी we have repeatedly heard you saying that you are not so fond of this genre and you really don't like love stories. So do you think somewhere this image of yours poses as a biggest strength and it acts in your favor and things never go wrong with controversial this love story? Baat I love making love. I don't like watching it. Achha hai na ye? Haan? Ki mujhe, making love is happier than just watching it. Toh main dekhta nahi hoon, main karta hoon. But then do you think it always acts in your favor? It never goes wrong, and probably with Harry Mudd Sejal too. तो क्या problem है? करने दो ना मेरे favor में. अच्छा ये ना अगर लोग प्यार कर रहे हैं. But genuinely मैं बताना चाहता हूँ. It's not कि I don't like love stories. I think थोड़ा misinterpret है. It's just that the kind of person I am, I enjoy comedy more because I would like to believe I'm a boy. तो मुझे action बहुत अच्छा लगता है. लव स्टोरीज भी बहुत अच्छी लगती है, एंड आई सी अ लॉट ऑफ देम बिकॉज ऑफ माई डॉटर नाउ, ऑल ऑफ देम. वो क्या है, 21 डेज, 27 ड्रेसेस, 13, सब चीज़ें देख चुका हूँ मैं, और मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं. एंड आई जस्ट टेल यू अ मोमेंट, मैं यही गाना कर रहा था, एंड फॉर मी द मोस्ट टचिंग मोमेंट ऑफ द फिल्म इज कि मैं कर रहा था तो इम्तियाज ने कट नहीं कहा, एंड आफ्टर आई फिनिश सिंगिंग एज मच एज आई रिमेंबर, जस्ट लाइक दादा, द लिरिक्स एज मेनी एज आई कुड रिमेंबर, इम्तियाज केम एंड शुक माई हैंड एंड ही सेड, यू नो इट्स रियली नाइस, आप अभी भी प्यार वैसा ही करते हो जैसे आपने शुरुआत की थी, इट्स रियली नाइस टू सी यू लाइक दैट. आई फील दीज थिंग्स, आई जेन्युइनली डू, इट्स नॉट दैट आई एम एक्टिंग इट आउट, ऑफकोर्स आई फील बींग बैड ऑल्सो इन मूवीज, आई फील बींग अदर सीन्स ऑल्सो, बट आई गेस समथिंग जस्ट वर्क्स इन दिस.
by some chance, some of the films that I've done, which have been love stories, have done so well, and people have loved them for so many years. I think ek aisa mahol sa ban gaya hai. I like it. I love doing love stories. Mujhse us din hum jab film shoot kar rahe the, Anupama Chopra ne pucha tha ki aap again lover ban rahe ho. I'm no longer a lover. I am love. I genuinely feel that in a good way. I'm not being pompous. I am love. I feel it. I understand. I like to analyze it. I like to sense it. And somehow that comes through, I guess, in the movies. And I'm very fortunate that you have a director like Imtiaz. You have an actress like, because I'm very shy. So if you have a friend like Anushka with you, it helps open up. You have music directors and composers who are giving it so much more than I can perhaps bring to the table. So it's a fortunate effort of my team. I think they also like making love. They just don't say it. I'm sure we all do. Hi, Shahrukh. Shahrukh bhai, towards your left here. Shahrukh bhai, what is the news for the Diplo news? Uska kya news hai? I mean, when's going to release? Sorry? The Diplo song, jo aane wala hai. What's the news about that? Dada and him have collaborated. Main LA mein tha, main sunkar aaya. Aur I think it's just been given its final touches now. Abhi wo ho gaya hai. So Dada will tell you about it. Well, that song is going to come next. And it's a very exciting song because Diplo ka ek track tha, Pinchos Agony, bolke the instrumental, the drop was very, very exciting. Imtiaz, jab wo drop suna, toh bolke, we want to use that in the film, in that track. Then I composed on that track. And then after the, then Irshad Bhai wrote his favorite line, Pur. So, and the Pur works very well with the drop. Because you know, it's so much to the film, and also it has a lovely sound and ring to it. So after doing that, after the composition, Mohit dubbed, and then we sent the entire dubs back to Diplo, and again he produced it and again sent it back. So there's a collaboration in like it should happen, it's going on. We are just going up and down on tracks, and I'm very, very happy to collaborate with Diplo. And and the song comes in a place which is, I don't know if I'm saying the right word, but coming of age, feeling of freedom. As a matter of fact, the direction that Imtiaz had given us during the song, it's basically a song about Anushka's character flying free, coming of age, realizing that there is more to life than she has experienced. And it's like a flight she takes off. Humko bar bar Imtiaz bolte the, it's like behoshi ka alam. Madhosh ho jaye jab aadmi. So I think that's what it kind of signifies in the film. And pur is, pur, I think udne ko bolte hai, hawa mein pur ho jata hai. So she's flying. Bahut, bahut interesting gaana hai. Aur maine chota sa video ke andar part bhi karke aaya hu, ye wali step. ऐसा ऐसा बड़ा कूल स्टेप करके आया हूँ मैं, ऐसा ऐसा करके वहाँ पर. हाय शाहरुख, टू योर राइट हियर, नेहा फ्रॉम बॉलीवुड नाउ हियर. हाय हाय. अच्छा, किसी ने अभी कहा कि गर्ल्स वांट बॉयफ्रेंड लाइक शाहरुख. बीवीआई से बोलती है आप शाहरुख जैसे रोमांटिक क्यों नहीं हो. कभी गौरी ने आपसे कुछ कहा है कि आप अनरोमांटिक हो? हाउ आर यू रोमांटिक हस्बैंड? यार मैं ठीक ठाक हूँ. आई थिंक मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है. अभी मैं बड़ा शाय हूँ यार ये बातें करने के लिए. बट आई थिंक आई एम गुड कंपनी. आई थिंक आई कैन मेक यू स्माइल, मेक यू लाफ, लिसन टू व्हाट यू से. आई थिंक यार कैसे बोले यार. आई एम गुड. हाय प्रीतम. प्रीतम, अरे मुझको शर्मिंदा मत करो यार तुम प्लीज. मैं बड़ा शाय हो जाऊंगा मैं. नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है. वो बस एक बार जब बाजीगर में मैंने छत से लड़की को फेंका था, उसके बाद उसने अपना मुंह नहीं खोला. ये जोक है प्लीज. हाँ, इसको रॉन्ग मत लीजिएगा. हाँ, जो भी शाहरुख सर ऑन योर राइट. मैंने उसको बोला मैं अपने रोल्स बड़ा फीलिंग से करता हूँ. ये ऐसे ही जोक है प्लीज. हाँ, कोई भी बुरा नहीं मानना इसको प्लीज. बिल्कुल जोक है, प्योर जोक. #joke. प्रीतम, मेरा आपसे सवाल है. माय क्वेश्चन इज टू यू. दिस इज शिल्पा.
थोड़ा सा अलग है. रिसेंटली ऋषि कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अनुराग बसु को ये बिगिनिंग ऑफ द मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा अलग है. इतना ज्यादा अलग है कि अच्छी बात है कि इतनी अलग उसके लिए मैं अवेलेबल हूं बाहर लाइक आफ्टर दिस और यू कैन कॉल मी एनी टाइम एनी टाइप ऑफ थिंग. शाहरुख सर ऑन योर राइट. जस्टिन हियर टुवर्ड्स योर राइट नियर द बार. आई मीन हियर. या जस्टिन हाय. Intiaz, when you're working with Shah Rukh, especially in a romantic film and shooting a romantic song, is there a temptation to use the typical Shah Rukh Khan-ness that the audience has been used to for over 25 years? Well, I was very aware and also made aware of the typical Shah Rukh-ness when I went to shoot. I have known him personally also over years, so I had already an impression about this man and this actor. I've also seen many of his films admire them and admire him as an actor. But when I was working, I wasn't either trying to create that Shah Rukh-ness or trying to tell him to not come up with it. Because I realized that the Shah Rukh-ness is a byproduct of the Shah Rukh. And it's unnecessary and kind of stupid to tell him not to be himself. Actually, we didn't worry about it at all. And yes, I'm glad that you asked that question. It's a smart question. It's the honest truth is that I was made aware of it, but I didn't either find it, nor did I combat with it, nor did I try for it. Shah Rukh, also just continuing, did you miss the quintessential stretching of arms pose in the film? Because we have seen it film by film that you do it. I think, Justin, it's oversimplification. You know, it's a thing now. As a matter of fact, I would myself play to the galleries when I'm supposed to do that. It's not something I do because that makes me or breaks me. You know, I've done it in a few films and it's become a thing. You know, it becomes like a mannerism of an actor. If I'm told in a film, actually no director ever tells me, aisa nahi karna. Because they know I'm aisa nahi ho ki chhootte hi haath phaila deta hu matlab kya set pe aati hi action aisa thoda hai matlab so main aisa karta nahi hu kabhi kabar mazak mein ya jaise Fara hai direct kar rahi hai Shah we'll do that as a joke we sometimes say okay we'll do it in the film and you know it's been a long time I think if a character of Rais is not meant to do it I'm not going to break out into it. I think given the parameters of commercial cinema that I act in, I still try to retain the characterization as strongly as I can, knowing the fact that the star sometimes overrules the character. But in my heart, I'm still an actor, however small, minuscule, or unimportant part as an actor in a film. So I don't give vent to ki main ye karunga. Abhi, wo zaruri nahi hota. Fan ke andar, it is meant to be. He's a fan of the motive of a star called Aryan Khanna, who's perhaps Shah Rukh Khan. But not necessarily in every film, yaar. Aisa nahi hai ki mere ko haath band ke rakhne padte hain. Ki haath bandhe rakho varna khol dega. Aisa nahi hai. Shah Rukh sir, on your right, sir. Shah Rukh sir, on your right. This is Sonil from Midday. Okay. Sir, on your right. Yeah. Hi. Sir, actually, you became a guest editor for one of our sections called The Guide. You know, and it was received really well. So how was the feeling like to be one of us, you know, to become an editor for a day and, you know, do what we do day in and day out. It was very nice here. Of course, your team helped me a lot. And it was very fun. I became a tour guide in Midday. Although I don't know so much about Mumbai, I don't know so much about Imtiaz and Anushka, so you can tell more about other places. And to be very frank, I have done a journalism course in my mass comm. So it's not that I'm completely vanchit from understanding mass communication and the job that you do. I have a huge amount of respect for it. And I say this from the bottom of my heart. I know sometimes we have to do things that we also personally don't like. But we all have to sell an idea. We have to sell a dream. So I really enjoyed it here. I wish I could do it. I used to write for a newspaper also for a bit. And I'd like to do it once again. But I take time writing. But it was really good being a journalist for an evening. My question is to Shah Rukh sir and Anushka both. So you've worked with a lot of different directors who are known to give a flavor to romance. So what do you think is different in Imtiaz's concept of romance? So this is what I feel. Whenever I watched his films, I think his films are, yes, they are love stories, but I don't think that the characters are aware that they're in love.
In fact, I feel that there's some sort of internal travel that happens, like the soul searching, and they understand themselves a little better, and then they realize that this happened because of the existence of this other person that came into their life and elicited this feeling in them. And that's when they discover love. Usually in films, in love stories, that's what happens, right? You know that it's very obvious that there is love, or the expression of love is very obvious. In his films, it's very latent, and it builds up. So I feel we feel it with the characters, you know? And I think that's what makes his films really special and something that we all connect with. And moments that he creates in his films, which are something that, you know, we might have experienced with our own loved ones, but you don't get to see that on screen so often. So I think he has a very deep understanding of a man-woman relationship. Anushka, hi, Shahrukh. This is going to be the last question. My question is to both Anushka and Shahrukh. My question is to both Anushka and Shahrukh. How are you going to be the last question? Okay, let the lady say, then the boy. कहाँ हैं मेरे को दिखने रहा आप शुरू आप अनुष्का मेरा सवाल आपसे है कि हवाई सॉन्ग रोमांटिक है शाहरुख आपके साथ थे लेकिन क्या पर्सनली आपने रोमांटिक सॉन्ग में किसी को मिस किया We didn't get that. Can you repeat the last part, please? लेकिन पर्सनली आपने कितना एंजॉय किया और किसी को मिस किया हवाई सॉन्ग काफी रोमांटिक है आपने शाहरुख के साथ सॉन्ग किया लेकिन पर्सनली आपने किसी को मिस किया सॉन्ग के दौरान Yeah, I did actually. Irshad Kamil. I wish he was here because उन्होंने कितने अच्छे lyrics लिखे हैं. ना दो बार मुझे लगा भी. जब ये मुझे देख रही थी कि इरशाद भाई को देख रही है. मुझे ऐसा feeling आया. मैंने बोला तुम्हें यार वो ऐसा एक बार उसने जो look दिया ऐसा करके. शाहरुख़ आपसे सवाल है कि शाहरुख़ सलमान ने हाल ही में shoot किया आपकी film के song को. कितना special है song? आनंद राय की फिल्म के लिए सलमान ने शूट किया कितना स्पेशल है सॉन्ग क्या क्या पार्ट होने वाला सॉन्ग है या स्पेशल अपीयरेंस है जैसे आपने ट्यूबलाइट में किया नहीं उससे लंबा पोर्शन है और सलमान खान ही है फिल्म में अभी उससे ज़्यादा अभी तो बहुत दिन है यार साल है पिक्चर को बट बहुत स्पेशल है और बहुत दिल से वो आए बहुत अच्छा लगा बहुत बहुत खुशी मिली हमें थैंक यू ओके आई हैव अ क्वेश्चन वन लास्ट क्वेश्चन आई हैव अ क्वेश्चन टू अनुष्का एंड शाहरुख का बोथ यू नो बोथ ऑफ यू हैव वर्क्ड विद डायरेक्टर्स लाइक यश चोपड़ा आदित्य चोपड़ा एंड करण जौहर हु हैव डिफरेंट लैंग्वेज टू रोमांस टेकिंग द क्वेश्चन फॉरवर्ड यू नो व्हेन यू सी अ यश चोपड़ा और एनी ऑफ देयर फिल्म्स इट्स अ लव स्टोरी यू वांट टू हैव यू नो इट्स एन एस्पिरेशनल लव स्टोरी वेयर इज इम्तियाज इज वन व्हिच पीपल नॉर्मली हैव यू नो पीपल मीट ऑन ट्रिप्स And they fall in love. Do you agree with this kind of a love story than the quintessential love story, which is a little larger than life also? I think each one of them, you're right. I think we are both very fortunate to have worked with Yash Ji, Karan Johar, Adi, and then Imtiaz. And they all have a very huge bent towards romance and love and relationships more than anything else. But mujhe aisa lagta hai, jo difference maine pehle bhi bola, ek to jo एसेंस है तीनों का वो चारों का सेम है बट आई थिंक वॉट इज डिफरेंट विद इम्तियाज इज कि यू आर वॉचिंग टू पीपल इंटरैक्ट विदाउट हैविंग टू मैनी स्पाइक्स इन द स्टोरी विदाउट हैविंग टू मैनी ऑब्स्टिकल एंड एक्सटीरियर प्लॉट पॉइंट्स एंड कहीं पर मैंने आज ही इम्तियाज को बोला ये जो कैरेक्टर्स हैं दिल में घर कर जाते हैं दे फाइंड दे मेक अ होम इन योर हाउस आई थिंक इट्स वेरी सिंपल थिंग्स वेरी नॉर्मल मोमेंट्स लोग बोलते हैं इम्तियाज की पिक्चर मोमेंट्स के बारे में है मोमेंट्स के बारे में है आई डिडंट अंडरस्टैंड इट टिल आई वर्क विद हिम दैट इज जस्ट वेरी ईजी व्यूइंग एंड सडनली यू रियलाइज यू आर लाइकिंग दिस पीपल एज मच एज दे लाइकिंग एंड लविंग ईच अदर सो दे स्लोली सीप इन टू योर हार्ट विदाउट ऑब्ट्रूसिवली टेलिंग यू अ प्लॉट पॉइंट और अ स्टोरी और कि ये दुनिया से झगड़ा करना है उनका झगड़ा और उनका लगाव दोनों अंदरूनी है सो आई फाइंड दैट वेरी डिफरेंट As far as the essence is concerned, I think Yash Ji, of course, and Adi, Karan, Imtiaz, and every other romantic filmmaker or people who believe in relationship films, does it with a lot of depth and the same essence of love being the most beautiful feeling. Thank you, everybody. And dosto, itna khoobsurat sa mahol in the interview that we did one-on-one. Anushka is going to answer. Maine one-on-one interview kiya tha tumhare saath, Nayanthi, par yehi jawab diya tha. Same as mine. The same question he's asked me already once. You know, Shahrukh, Anushka, baatein to bahut ho gayi, but since we are all talking about romance, there's a special...
है।